आना चाहते हैं, इसलिए मैंने अपनी बातचीत में कहा कि जो हमारी लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ठीक से समझना चाहिए। जैसे गंगा जी के लिए प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 112 दिन की तपस्या करके चले गए और इस सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की कि वो किस सस्टेनेबिलिटी की चिंता कर रहे हैं। बेसिकली वो तो गंगा की सस्टेनेबिलिटी की चिंता में, गंगा को सस्टेनेबिलिटी मिले, गंगा को इकोलॉजिकल फ्लो मिले, गंगा को इन्वायरमेंटल फ्लो मिले और गंगा के इन्वायरमेंटल फ्लो के लिए एक एक्ट बने, इसी के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया और 112 दिन तपस्या करते हुए निकल गए। लेकिन इस देश की सरकार ने, संवेदनहीन सरकार ने, उनसे जाके बातचीत नहीं की, उनसे पूछा नहीं कि आप किस सस्टेनेबिलिटी के लिए यहाँ बैठे हैं। वो ये चाहते थे कि गंगा के जल में जो बायोफाज है वो बायोफाज बचा रहे। इस वक्त उस बायोफाज को हमारे केमिकल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और हमारे जो सरकारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये तो सब सरकारी संस्थाएं हैं, वो सब उसमें जो शहरों का गंदा पानी डाल रहे हैं उसके कारण वो बायोफाज नष्ट हो रहा है, क्योंकि बायोफाज उस गंगा के जल की जो कैरिंग कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर जब उसमें आने लगा तो वो उसका बायोफाज बचा नहीं। इसलिए स्वामी सानंद जी इस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल अनुकूल जो सस्टेनेबिलिटी है और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं इंडियन रिवर में, खासकर गंगा में, उसके लिए अनशन कर रहे थे। इन सब चीज़ों को, लोकल चीज़ों को, इस तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जोड़ के सॉल्यूशन एक्सप्लोर करेंगे तो सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिलेंगे। गंगा पहले से ज़्यादा प्रदूषित हुई है। पिछले 4 सालों में गंगा के नमामि गंगे पर बहुत पैसा खर्च किया गया, बहुत बांटा गया, लेकिन उसका पॉल्यूशन लेवल बढ़ा है और ये पॉल्यूशन लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये केवल और केवल बड़े लोगों के हितों की रक्षा करती हैं, इस देश के गरीबों की, इस देश के अल्पसंख्यकों की, दलितों की जो कठिनाइयां हैं उसकी चिंता इस सरकार को नहीं है। निवेदन करूं कि गंगा का जल आचमन के लायक भी नहीं है और स्नान के भी लायक नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि गंगा की बीमारी रक्त वहन की है, उसकी रक्त वाहिकाएं रुक गई हैं और उसका इलाज दांतों का डॉक्टर कर रहा है। तो जब दांतों का डॉक्टर इलाज करता है तो उसको इंजेक्शन भी देता है, दवाई भी देता है, उसमें पैसा भी खर्च होता है, करोड़ों खर्च होंगे, लेकिन आपकी बीमार जिसको बीमारी है वो ठीक नहीं होगा। ये जो गंगा की बीमारी है ये सचमुच उसके रक्तचाप की बीमारी है और उस रक्तचाप में सानंद के बलिदान ने हम जैसे लोगों को पागल कर दिया है। हम लोग सब कुछ छोड़कर गंगा सद्भावना यात्रा में निकले हैं और इस सद्भावना यात्रा का संदेश है कि गंगा केवल हिंदुओं की नहीं है, वो मुस्लिम की भी है, वो सिख की भी है, वो ईसाई की है, सबकी बराबर है, हम सबकी, हर प्राणी की है। मोदी सरकार के 4 साल कंप्लीट हो गए, इसका जवाब तो 2019 में भारत की जनता दे देगी, क्योंकि जिसने भी गंगा को धोखा दिया है वो दोबारा नहीं आता है।